The swan sheath is. Okay. First of all, एक अगेन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है swan sheath and myelin sheath. ये दो अलग अलग चीजें हैं. Swan sheath is basically neurilemma. Neurilemma. और इसे इस सेल ने बनाया है. कौन से सेल ने? श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. श्वान सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कौन है? न्यूरीलेमा. और ये न्यूरीलेमा का दूसरा नाम हमने क्या दे दिया? श्वान शीत. और ये बना क्या रही है? माइलिन शीत बेसिकली. ओके, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो हमें दिमाग में रखना है कि श्वान शीत जो है ये माइलिन शीत नहीं है. श्वान शीत इज बेसिकली द न्यूरीलेमा. एक्सोलेमा न्यूरीलेमा. एक्सोलेमा इज एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूरीलेमा इज श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और उसके अराउंड ये माइलिन शीत सिक्रीट करता रहता है, पर उसकी खुद की भी एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है. ओके, तो इसे हम जो सिक्रीट करता है उसे माइलिन शीत बोलते हैं. तो बेसिकली श्वान शीत क्या है? अ नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर एसोसिएटेड विथ माइलिन शीत. यस, इट इज एसोसिएटेड विथ माइलिन शीत. चारों ऑप्शन पढ़ने हैं. Be very careful. A connective tissue cell. अगर हम ignorant हो गए इस चीज को लेके, तो हम we would have ticked associated with myelin sheath only. But मैंने पहले भी discuss किया है कि Schwann cell myelin sheath बनाए या ना बनाए. Schwann sheath तो होगी, तो आपको चारों option पढ़ना रहेगा. अगर a connective tissue cell no, associated with myelinated and non-myelinated देखिए. या वही बात आ गई ना, अगर हम चार ऑप्शन नहीं पढ़ते तो वी वुड हैव टेक द सेकंड ऑप्शन. लेकिन ये ट्रिकी था. आपको पूछा गया है कि श्वान सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन एसोसिएटेड किसके साथ है, तो वो चाहे माइलिन शीत हो या ना हो, श्वान शीत तो होगी.